थे, इसके बाद वो जिला उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो सीधे जो है पद वो रिक्त पड़ा हुआ। और यदि यहाँ नहीं है हमारी जो प्रशासन व्यवस्था होती है, एक बार उनको भी हम लोग जो है हम सोचेंगे कि उससे बड़ा समझदार हमारे कर्मचारी, उससे बड़ा समझदार वादा रखिए, विश्वास रखिए साथियों, अगर आप लोगों ने विश्वास तोड़ दिया, मैं ये हमारी सात सूत्री मांगे हैं, हमारे सब ग्रामीण सफाई कर्मचारी जनपद हमीरपुर के, आज करीब 13 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं एनपीएस की पासबुक नहीं बनाई गई हैं, और एसीपी जो 10 साल में लगता है वो लगा है हमारा, लेकिन एक साल से ज़्यादा हो गया अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है, सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दिया जा रहा, एसीपी लाभ से वंचित कुछ कर्मचारी रह गए हैं, तो उनका भी लगवाने के लिए हमने इस मांग पत्र में सम्मिलित किया है, और वेतन समय पर नहीं दिया जाता है, और अवशेष पड़े वेतन का भुगतान करने के लिए भी इसमें सम्मिलित की गई है मांग, तो जिसका हमने समय दिया था उस समय रहते हुए निस्तारण नहीं किया गया, तो हमको बेबस होकर धरने पर बैठना पड़ा। क्या नाम आपका? हमारा नाम कुलदीप कुमार वाल्मीकि, जिलाध्यक्ष हैं सफाई कर्मचारी संघ जनपद हमीरपुर। ये एक दिवसीय धरना है? ये क्रमिक अनशन चालू था, लेकिन इस पर अगर कोई निर्णय, ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है या आश्वासन नहीं दिया जाता है, तो क्रमिक अनशन ये चलता रहेगा, और अगर ठोस निर्णय कुछ लिया जाता है तो इसकी जानकारी आगे दी जाए।